शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री प्रमोद कुमार कमांडेंट 49 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मरणोपरांत। पंद्रह अगस्त 2016 को 8 बजे के लगभग नौहट्टा चौक श्रीनगर में एक परित्यक्त इमारत में छुपे आतंकवादी ने उस क्षेत्र में तैनात 28 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। श्री प्रमोद कुमार कमांडेंट 49 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल घटनास्थल पर कूच कर गए और उन्होंने भारी गोलीबारी के बीच घायल जवानों को वहां से हटाकर दूसरे जवानों को वहां पर तैनात किया। उसके बाद अन्य ऑपरेशन कमांडरों के साथ मिलकर लक्षित भवन को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया। वे बुलेट प्रूफ गाड़ी में अपने जवानों के साथ भीषण गोलीबारी में डट गए। पूरी दक्षता से आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने के बिल्कुल नज़दीक तक गए और एक आतंकवादी के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए वे गाड़ी से उतरे। जैसे ही उन्होंने घायल आतंकवादी पर गोली चलाई, दूसरे आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली उनके सिर में लग गई। उन्हें तुरंत आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस प्रकार श्री प्रमोद कुमार कमांडेंट ने असाधारण वीरता, अनुकरणीय साहस तथा अपने कर्तव्य के प्रति उच्चतम समर्पण का परिचय देते हुए राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार की पत्नी श्रीमती नेहा त्रिपाठी और साथ में हैं उनकी माताजी श्रीमती कुसुम देवी। हवलदार गिरीश गुरुंग 4th बटालियन प्रथम गोरखा राइफल्स मरणोपरांत। हवलदार गिरीश गुरुंग खोजी दस्ते के कमांडर के रूप में जब जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घनी झाड़ियों और वनों के बीच घाटी जैसे स्थान में तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, तभी छिपे हुए एक आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उनकी जांघ में गोली लग गई। बहुत अधिक मात्रा में रक्त बहने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम के ऊपर आए खतरे को महसूस किया और अपनी सुरक्षा के बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपनी AK-47 राइफल से सटीक फायर करके एक आतंकवादी को मार गिराया। तत्पश्चात उन्होंने उस जगह का पता लगाया जहां से एक अन्य आतंकवादी उनके दल के ऊपर गोलीबारी कर रहा था। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद अपनी वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने उस दिशा में एक हथगोला फेंका और बेहद करीब जाकर उस आतंकवादी पर गोलीबारी करते हुए उसे वहीं पर ढेर कर दिया, परंतु अपने गंभीर जख्मों के कारण वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार हवलदार गिरीश गुरुंग ने सर्वोच्च बलिदान देने से पहले गोलीबारी के दौरान निस्वार्थपूर्ण अदम्य साहस और अद्वितीय आक्रामक भावना का प्रदर्शन किया। स्वर्गीय हवलदार गिरीश गुरुंग की पत्नी श्रीमती पंचामाया गुरुंग और साथ में हैं उनके पिताजी श्री दुर्गा बहादुर गुरुंग। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर तोपखाना रेजिमेंट 166वीं बटालियन दी मीडियम रेजिमेंट मरणोपरांत। नवंबर 2016 में मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर ने जम्मू और कश्मीर के नगरोटा जिले में स्थित सेना बेस में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ अपनी त्वरित कार्रवाई टीम का नेतृत्व करते हुए तुरंत जवाबी कार्रवाई की।
आतंकवादियों द्वारा भारी गोलीबारी किए जाने के बावजूद वो उस क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए और सफलतापूर्वक इमारत में फंसे दो अधिकारियों, एक घायल कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी और तीन अन्य रैंकों को बचाया। बहुत नज़दीक से होने वाली भारी गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों को रोके रखा जब तक उन्हें वहां से निकाला नहीं गया। यहां तक कि जब उन्हें वहां से निकाला भी जा रहा था तब भी वे लगातार आतंकवादियों की अवस्थिति की सूचना देते रहे। वे घायल होने के कारण बाद में शहीद हो गए। मेजर गोसावी कुणाल मुलागीर ने अदम्य वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व, अदम्य साहस और अपने कर्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा निभाते हुए राष्ट्र हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर गोसावी कुणाल मुनागीर की पत्नी श्रीमती उमा केर गोसावी और साथ में है उनकी माताजी श्रीमती वृंदा एम गोसावी। लांस नायक रघुबीर सिंह, दिभार रेजिमेंट, प्रथम बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। फरवरी 2017 में लांस नायक रघुबीर सिंह जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में एक गांव में घेराबंदी तथा तलाशी ऑपरेशन करने वाली तलाशी टीम के स्काउट्स थे। जैसे ही दल लक्षित घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, लांस नायक रघुबीर सिंह ने उनके गुप्त स्थल का भंडाफोड़ किया। तभी छिपे चार आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने अनुकरणीय सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए अपने दल को गोलियों की दिशा के बारे में चेतावनी दी और सीधी गोलीबारी में निडरतापूर्वक आतंकवादियों का मुकाबला किया। अपने तलाशी दल के अन्य सदस्यों की रक्षा के लिए उन्होंने आतंकवादियों की गोलियों का सामना करने में निस्वार्थ रूप से स्वयं को झोंक दिया। वे गोली लगने के कारण घायल हो गए। अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने सटीक गोलीबारी करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और अन्य आतंकवादियों को भागने से भी रोका। बाद में वे अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए। लांस नायक रघुबीर सिंह ने कर्तव्य निष्ठा से ऊपर उठकर साहसिक और वीरतापूर्ण कार्य का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक रघुबीर सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा और साथ में है उनकी माताजी श्रीमती खिमुली देवी। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी। लेफ्टिनेंट जनरल दीवान रविंद्रनाथ सोनी, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबु, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल चेरिश मैथसन, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ करवे अति विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल चंद्रशेखरन हरिकुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल अनिल खोसला अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र रामराव निंभोरकर उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल एवं बार विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुमार झा अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल गुर प्रताप सिंह ढिल्लो अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल परमिंदर जीत सिंह पन्नू अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह गिल अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल संजय थापा शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, मेजर प्रीतम सिंह कुंवार, चौथी बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स। मई 2017 में 6 आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा पर दूर से देखकर अद्भुत सामरिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मेजर प्रीतम सिंह कुंवार ने अति शीघ्र ही उन्हें घेरने का उपाय सोचा और आतंकवादियों के पूर्ण रूप से किलिंग जोन में आने तक की प्रतीक्षा की। उन्होंने आतंकवादियों के ऊपर बिल्कुल सही समय पर सटीक निशानेबाजी शुरू कर उन्हें अचंभित कर दिया। अचानक ही 2 आतंकी एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर भारी गोलीबारी करने लगे। उसी क्षण एक ग्रेनेड उनके बेहद करीब आ गिरा। अपनी जान की किंचित भी परवाह किए बिना उन्होंने रेंगते हुए 2 ग्रेनेड आतंकवादियों की तरफ फेंके और उन्हें वहीं ढेर कर दिया। अचानक उन्होंने एक आतंकवादी को विपरीत दिशा में कमान अधिकारी के दल की ओर चढ़ते हुए देखा और तुरंत अपने कमान अधिकारी को सूचित करते हुए अपनी दिशा को बदल दी।
भारी गोलीबारी के बीच उन्होंने सटीक निशाना लगाकर तीसरे आतंकवादी को भी तत्काल मार गिराया। मेजर प्रीतम सिंह कुनवार ने शत्रु का मुकाबला करने में अनुकरणीय साहस, विषम परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प, उच्चतम कोटि के शौर्य और अटूट धैर्य का परिचय दिया। मेजर प्रीतम सिंह कुनवार। युद्ध संघर्ष युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधु, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह बेदी, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल ललित कुमार पांडे, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। अति विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल अमरीक सिंह, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अमोलक जीत सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल विजय सिंह, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संतोष कुमार उपाध्याय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चोपड़ा, विशिष्ट सेवा मेडल।
लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह आहूजा, लेफ्टिनेंट जनरल कमल कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल रजनीकांत जग्गा, विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र सिंह, वाइस एडमिरल रविंद्र भतुहरी पंडित, लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सहगल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, मेजर जनरल रामचंद्र नागराज, विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल शांतनु दयाल सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल बगबली सोमशेखर राजू, युद्ध सेवा मेडल, रियर एडमिरल सुरेश मुचिकल दामोदरन नौसेना मेडल,
रियर एडमिरल नारायण प्रसाद नौसेना मेडल रियर एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता युद्ध सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल रियर एडमिरल संजय महेंद्र नौसेना मेडल एयर वाइस मार्शल महेंद्र कुमार गुलेरिया विशिष्ट सेवा मेडल एयर वाइस मार्शल अतुल कुमार सिंह विशिष्ट सेवा मेडल एयर वाइस मार्शल हरिंदर जीत वालिया सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल सुनील जयंत नानोटकर वायुसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त एयर कॉमोडोर सुरेंद्र कुमार इंदौरिया वायुसेना मेडल एयर कॉमोडोर राकेश सिन्हा एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले अगस्त 2016 में लांस नायक कश्मीर सिंह घुसपैठिए आतंकवादियों के खात्मे के लिए तैनात टुकड़ी का हिस्सा थे। टुकड़ी ने दो आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर के बारामूला ज़िले के क्षेत्र में देखा और भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लांस नायक कश्मीर सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। आपने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों पर लगातार कारगर गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप टुकड़ी के बाकी साथियों को होने वाले नुकसान को रोका जा सका। आतंकवादियों के और नज़दीक जाकर आपने एक आतंकवादी को अत्यंत समीप से मार गिराया। इसके बाद आपने सामरिक रूप से लाभकारी जगह पर अपने आप को तैनात कर दूसरे आतंकवादी को भागने से रोकने के लिए कारगर गोलीबारी की, जिसके फलस्वरूप
टुकड़ी के बाकी जवान दूसरी दिशा से उस आतंकवादी को घेरकर उसका खात्मा करने में सफल हुए। लांस नायक कश्मीर सिंह ने जख्मी होने के बावजूद उत्कृष्ट कौशल, नीति और वीरता का परिचय देते हुए दो खूंखार आतंकवादियों के खात्मे को सुनिश्चित किया। लांस नायक कश्मीर सिंह। सूबेदार, अब सूबेदार मेजर शबीर अहमद, 17वीं बटालियन दी जम्मू और कश्मीर राइफल्स। अगस्त 2016 में सूबेदार शबीर अहमद ने घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी टुकड़ी के साथ बिजली की गति से प्रस्थान किया। टुकड़ी ने जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के एक क्षेत्र में आतंकवादियों को देखकर भारी गोलीबारी की। जब आतंकवादियों ने भागने का प्रयास किया तो सूबेदार अहमद ने तत्काल ऑपरेशन को अपने नियंत्रण में लेते हुए सभी समीपस्थ पोस्टों को सचेत किया और कारगर युद्ध नीति के तहत अपनी टुकड़ी को तैनात किया। आतंकवादियों के बच निकलने के तमाम रास्तों को प्रभावी ढंग से सील करने के लिए आप प्रत्येक स्टॉप पर निरंतर अपनी टुकड़ी की स्थिति में परिवर्तन करते रहे। उत्कृष्ट बहादुरी एवं अनुकरणीय पहल का परिचय देते हुए आतंकवादियों की असरदार गोलीबारी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़कर आपने एक आतंकवादी को मार गिराया। इसके पश्चात बचकर भागते हुए आतंकवादी को रोकने के लिए आपने सामरिक रूप से उपयुक्त जगह पर अपने आप को तैनात किया और भीषण गोलीबारी में उसे भी मार गिराया। सूबेदार शब्बीर अहमद ने सराहनीय सामरिक बुद्धि, असाधारण नेतृत्व एवं उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए दो आतंकवादियों का खात्मा सुनिश्चित किया। सूबेदार मेजर शब्बीर अहमद। श्री विकास जाखड़, सहायक कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं मोहम्मद रियाज आलम अंसारी, उप निरीक्षक GD केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। November 23, 2016 को झारखंड के लातेहर जिले के छिपा दोहर के जंगली क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों का पीछा करते हुए 209 कोबरा का स्काउट दल, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर GD मोहम्मद रियाज आलम अंसारी कर रहे थे, पर कोयल नदी के किनारे माओवादियों ने गोलियों की बौछार कर दी। SIGD मोहम्मद रियाज आलम अंसारी और उनकी साथी टुकड़ी ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। किसी भी खतरे की परवाह किए बिना श्री विकास जाखड़, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में बहादुर सिपाही अपने स्काउट दल की सहायता के लिए माओवादियों की ओर बढ़े और एक आक्रामक मुठभेड़ शुरू कर दी। SI मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट दल के साथ माओवादियों पर हमला कर उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। तभी छिपे माओवादियों द्वारा उन पर भीषण गोलीबारी हुई। इस करो या मरो की स्थिति में श्री विकास जाखड़ ने अपने बहादुर कमांडो के साथ माओवादियों के खिलाफ एक तेज जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट के साथ पीछे हटते हुए माओवादियों पर सामने से गोलीबारी जारी रखी। सैन्य बलों की इस निर्भीक कार्रवाई से माओवादियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। मुठभेड़ स्थल की गहन तलाशी से 6 लाशें बरामद हुई। इस प्रकार श्री विकास जाखड़, सहायक कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर GD मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने ऑपरेशन के दौरान अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दृढ़ता, साहस तथा कर्तव्य निर्वहन के प्रति निस्वार्थ समर्पण का परिचय दिया। श्री विकास जाखड़। मोहम्मद रियाज आलम अंसारी।
लांस नायक दीपक आले, प्रथम बटालियन तीसरी गुरखा राइफल्स। अप्रैल 2017 में जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के क्षेत्र में पोस्ट कमांडर की ड्यूटी करते समय लांस नायक दीपक आले ने अपनी पोस्ट के आगे कुछ संदेहास्पद हरकत महसूस की और तुरंत अपने आसपास की पोस्टों को आगाह किया। वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अत्यंत दुर्गम बर्फीले ऊंचे भूभाग में बहुत तेज गति के साथ रेंगते हुए आतंकवादियों के नज़दीक पहुंच गए, जो बाढ़ को पार करने वाले थे। जब आतंकवादी उनके सटीक निशाने पर पहुंचे, तब उन्होंने स्वचालित बंदूक से सटीक और भारी गोलीबारी करते हुए दोनों आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया। उसके उपरांत उन पर आतंकवादियों के समूह द्वारा भीषण गोलीबारी की गई, परंतु इसके बावजूद वे उत्तम युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर रेंगते हुए तुरंत कार्रवाई दल को सामरिक रूप से उपयुक्त स्थिति को पाने में सहायता के लिए पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप तीसरा आतंकवादी भी मारा गया। तत्पश्चात उन्होंने चौथे आतंकवादी को देखा और उसकी सही स्थिति बताकर उसे मार गिराने में सहायता की। लांस नायक दीपक आले ने कर्तव्य निष्ठा से ऊपर उठकर अदम्य साहस, निस्वार्थ समर्पण और वीरता का प्रदर्शन किया। लांस नायक दीपक आले। कैप्टन अब मेजर प्रदीप शौर्य आर्या, 106 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना पैरा संबद्ध, 4th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल। 28 मई 2017 को लगभग रात के 10:30 बजे जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास 4 से 6 आतंकवादियों की आवाजाही का पता लगते ही कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्य उत्कृष्ट वीरता का परिचय देते हुए उन्हें रोकने के लिए माइन वाले क्षेत्र में अपने साथी के साथ आगे बढ़े और तत्काल गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आतंकवादी उप विभाजित हो गए और 3 आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर भारी गोलीबारी कर दी। निर्भीकता और शांत दिमाग का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक गिरे हुए वृक्ष के ऊपर बैठकर आतंकवादियों को देखा और उनमें से एक को वहीं मार गिराया। इस साहसिक कार्रवाई से अन्य आतंकवादी घबरा गए और उन्होंने उनके साथी की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथी की जिंदगी को गंभीर खतरा भांपते हुए कैप्टन आर्या योद्धारूपी पहल और प्रेरणात्मक युद्धक नेतृत्व का परिचय देते हुए स्वयं की सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने छिपने के स्थान से आगे बढ़े और पर्ण समूह में छिपे हुए दोनों आतंकवादी के सीधे संपर्क में आ गए, जिनको उन्होंने बड़ी नज़दीक से मार गिराया। इस कार्रवाई से दूसरा समूह भी घबरा गया, जिनको बाद में रिमोट कंट्रोल इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस द्वारा मार गिराया गया। कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या ने आतंकवादी गोलीबारी का मुकाबला करते हुए अदम्य साहस और कर्तव्य से उठकर मृत्यु का सामना करने में असाधारण पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर प्रदीप शौर्य आर्या। पैरा ट्रूपर मंचू, 12th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल। छह जून 2017 को संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त होने पर नागालैंड के मोन जिले के तिजित क्षेत्र में मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए संयुक्त दल तैयार किया गया। रात के लगभग 10 बजे 2 ऑटो रिक्शा MVCP का उल्लंघन करके आगे निकल गए और उनका पीछा करने पर भी अचानक रुक गए। आतंकवादी नीचे उतरे और अपने दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी तथा ग्रेनेड दाग दिए। इस गोलीबारी का मुकाबला करने में एक अधिकारी और 2 अन्य रैंक के सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। पैराट्रूपर मंचू गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़े और जवाबी गोलीबारी के साथ उनका सामना किया तथा 3 आतंकवादियों को मार गिराने में सफल हुए। ग्रेनेड के हमले से उनकी दोनों आंखें और कंधा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लगातार बहते हुए खून की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने अपने दल के 2 सदस्यों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। पैराट्रूपर मंचू ने भारी गोलीबारी के बीच वीरता तथा सूझबूझ का प्रदर्शन किया और खुद के गंभीर जख्मों की परवाह न करते हुए उन्होंने उच्च कोटि की पहल और दृढ़ संकल्प से अपने दल के सदस्यों का जीवन बचाया। पैराट्रूपर मंचू।
हवलदार रविंद्र थापा, 4 प्रथम बटालियन द गुरखा राइफल्स। सात जून 2017 की रात्रि को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाओं के दौरान हवलदार रविंद्र थापा ने क्षेत्र में नजर बनाए रखा और 4 से 5 आतंकवादियों की गतिविधि की पहचान की, जो घुसपैठ रोधी बाधा प्रणाली में दूसरी तरफ से घुसपैठ कर रहे थे। उन्होंने तत्काल अपने प्लाटून कमांडर को सतर्क कर दिया और आतंकवादियों की गतिविधि की रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर दी। आतंकवादियों के घुसपैठ करने के पश्चात भारी गोलीबारी के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपनी जगह बदली और घात लगाकर एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। जब अन्य 2 आतंकवादी भाग निकलने की फिराक में थे, उन्होंने प्रभावी गोलीबारी जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी ने गिरे हुए पेड़ की ओट ले ली। वे रेंग कर आगे बढ़े और ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से उन्होंने छिपे हुए आतंकवादी को भी मार गिराया। हवलदार रविंद्र थापा ने अदम्य साहस, शौर्य और उच्च स्तरीय जागरूकता का परिचय दिया, जिससे 2 आतंकवादियों को समाप्त करने में सफलता मिली। हवलदार रविंद्र थापा। नायक नरेंद्र सिंह, 9वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल। पच्चीस जून 2017 को प्रातः 4:45 पर जम्मू और कश्मीर के रजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य टुकड़ी ने हथियारबंद शत्रुओं की पहचान की। चुनौती पाकर शत्रुओं ने अंधाधुंध गोलीबारी प्रारंभ कर दी और घनी झाड़ी में बिखर गए। जब गोलीबारी तेज हो गई, अपना दल चट्टानों के पीछे छिपे हुए 3 शत्रुओं के समूह से हो रही भारी गोलीबारी में बीच आ गया। अपनी टुकड़ी के लिए गंभीर खतरे को भांपते हुए नायक नरेंद्र सिंह ने उत्कृष्ट युद्ध कौशल का परिचय देते हुए शत्रुओं का सामना किया और उनको बाहर निकालने के लिए ग्रेनेड दागे। अपने आप को घिरा हुआ पाकर शत्रुओं ने भागते हुए गोलीबारी की और साथ ही साथ ग्रेनेड भी दागे, परंतु इस गोलीबारी से निर्भीक नायक नरेंद्र ने एक शत्रु को मार गिराया और निकट के मुकाबले में अन्य 2 को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। नायक नरेंद्र सिंह ने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण, संयम तथा असाधारण युद्ध कौशल का परिचय दिया और अकेले ही एक शत्रु सैनिक को मार गिराया तथा अन्य 2 को गंभीर रूप से घायल कर दिया। नायक नरेंद्र सिंह। मेजर अखिल आर आरवी, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट 55वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। 1 अगस्त 2017 को लगभग 2 बजे जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में हखरीपुर गांव के एक मकान में कट्टर आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त होने पर मेजर अखिल राज आरवी ने उत्कृष्ट रणनीतिक कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए चुपके से उस घर की सुदृढ़ घेराबंदी कर दी। अपनी निजी सुरक्षा को पूरी तरह से नकारते हुए आपने अपनी रॉकेट लॉन्चर सैन्य टुकड़ी की तैनाती के लिए आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच टोहली तथा लक्षित मकान में टूटी हुई दीवार के बीच रेंगते हुए आप अंदर पहुंचे और अदम्य साहस और असाधारण जवाबी गोलीबारी कौशल के साथ एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। निर्भीकता तथा दृढ़ता का परिचय देते हुए दूसरे आतंकवादी का ध्यान बटाने के लिए आप जानबूझकर ओट से बाहर निकले, जिससे उस आतंकवादी को दूसरी टीम द्वारा मार गिराया जा सके। इस प्रकार मेजर अखिल राज आरवी ने भीषण गोलीबारी के बीच अनुकरणीय नेतृत्व, अदम्य साहस, निर्भयता तथा कर्तव्य से ऊपर उठकर वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली। मेजर अखिल राज आरवी।
कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता, भारतीय वायु सेना सुरक्षा। 18 नवंबर 2017 को जम्मू और कश्मीर में बांदीपुरा जिले के चंद्रेगर गांव में भारतीय वायुसेना के गरुड़ सैन्य टुकड़ी और 13 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा संयुक्त रूप से एक आक्रामक कार्रवाई शुरू की गई। गरुड़ टुकड़ी गुप्त रूप से उस घर तक पहुंची जहां संदिग्ध आतंकवादी छिपे हुए थे और उन पर घात लगाकर हमला किया। कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता ने अपने साथी को, जो LMG चला रहे थे, के साथ घातक रण क्षेत्र तैयार करने में मदद की, जिससे कि आतंकवादियों के बचने का हर संभव मार्ग अवरुद्ध हो गया। घर में छिपे हुए 6 आतंकवादी गरुड़ टुकड़ी पर गोलियां चलाते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए निकलकर भागे। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक प्रभावी जवाबी कार्रवाई की और सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। आगे बढ़ते आतंकवादियों को रोकते हुए आपने LMG साथी को कवर प्रदान किया। आपने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल अपने साथी को सुरक्षित निकालते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया और 6 आतंकवादियों को निष्प्रभावी करने की जवाबी कार्रवाई के लिए LMG की कमान स्वयं अपने हाथ में ली। इस प्रकार कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता ने सशस्त्र आतंकवादियों से लड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता।